प्रोग्राम सुरीले पंडित राहत हाजिर ते सलाम अर्ज करें दिए तोड़े सामने हर हफ्ते सुरीला पांडी घिन आनिया वो तो को तोड़े मन भांदे काफिया ते गीत सराइकी दे पेश करें देन आज जेड़े फनकार सारे को लाए बैठे उन्हां दा तालुक चिश्तियां बहावल नगर तो हैं वो भी सराइकी काफिया ते सुफियाना कलाम दे विच महारत रखते हैं। आओ मिलते हैं सलामत अली नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलामत सलाम। साहब, क्या हाल है तोड़ा? अलहमदुल्ला बाजी, आप सुनाए ठीक हो? गायकी का आगाज स्वकर्ण कुल कीता ते कौन थोड़े उस्ताद हैं? इब्तदाई तालीम मैं अपने वालिद साहब नियाज़ अली खान तो हासिल की थी, जी ते मैं अरशद फतेह अली खान का भी शागिर्द हूँ, उन्होंने को भी मैं तालीम ले रही हूँ। अच्छा, ते करण कुल आगाज कीता केड़े केड़े साल कोल? करण कुल क्या तालीम क्या है थोड़ी? डिप्लोमा इन कॉमर्स मेरी तालीम है, जी 1992 तो मैं आगाज़ किया अपने करियर का। अच्छा, वाह जी वाह वाह, ये तो बड़ा अच्छा है। ते किवें लगदे सुफियाना कलाम विच केड़ी सिनफ तुहानू ज्यादा पसंद है, कवाली या काफी? कवाली भी मैं करना, जी काफ़ी भी सूफियाना कलाम एच बहुत, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब, बेशक बेशक, सचल सरमत सरकार दा बड़े बड़े कलाम, बुजुर्ग। बड़े बड़े बुजुर्ग सूफिया कराम, इन्हों जी के अजीम शोराए कराम सही, जिन्हों का ये कलाम उन्होंने जिस देख इंसान रूहानियत तो इंकशाफ होंगे है बेशक बेशक, वो कर दियो। वो करना। अच्छा, ते ये दसो मैनू कि सलामत अली कि काफ़ी ते जेड़ी ये कवाली दे बेसिक फर्क क्या है दोहे दे अंदर? तुसा क्या महसूस की ते इतने साल सीखते पे हो, जी क्या फर्क है? काफ़ी एक अपने अंग है, एक अलहदा अंग है, जिस तरह गजल दे के अलहदा अंग है, बेशक, कवाली एक अलहदा चीज़ है। ठीक कवाली दे विच 10 बंदे रल के गाँवे आ, सही ते काफ़ी दे विच बंदा उसनों सुरां दे नाल नाल रहिंदा है, सही ते उस दे एक अपना बेसिक है, अपना क्लासिकल दे नाल अटैचमेंट सही, है। काफ़ी दे ना कि मतलब जो मैं समझनी हाँ वो ये कि काफ़ी दे तुसा एक राग दे विच खूबसूरत जेड़ा कलाम है वो पेश करें दे हुंदे च घूम फिर सकदे जी हो, बिल्कुल जी वो एक तरह दा जेड़ा क्लासिकल टच है ज़्यादा जी आंदे। ज्यादा क्लासिकल टच कवाली जरा रिदम दा भी तो कम जी, आंदे है रिदम ना, दा भी कम है होंगे। ना, जी सही आखे जी मैं? बिल्कुल सही। अच्छा, हुण सुईले पांदे सारे जेड़े देखण वाले सारे सज्जन बेली वो चासन के साको तुसा कोई अच्छा जिहा कलाम सुनाओ, सब तो पहले क्या सुने दे सब प्यो? तो पहले मैं हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह दा जी आरफाना कलाम पेश जी करना पियाँ, जी जिंदे बोल इनके, आमिल सांवल माही वो यार, ना कर बे बेपरवाही परवाही वो वो यार, यार। वाह वाह। ते इंदी केड़े राग इच कंपोजिशन है? सिंधड़ा राग है दा, अच्छा ते वालिद साहब दी मेरी कंपोजिशन है, जी, ते ये मैं पेश करना। वाह। भज भजी कदम दान करे दिया से गया इन दान करे दिया से गया छप दे डा हुसन डिखे सर नजराना डे सा ना कर दे परे आ मिली सा
बट पिया रंगी पूरी परनी पिया रंगी पूरी परनी मैंने जीवन दुखड़ा थी मन समझा मात मैं समझा मात मिसाई वो यार सच कदी शाप कदी शाही वो यार ना करे बेपर भाई वाह 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 बड़ी खूबसूरती ना तुसा काफ़ी आखी और बड़े उन्दे अल्फाज दी अदायगी भी थोड़ी अच्छी है ते नाल राग दे जिहड़े रचा होए ना काफ़ी दे विचों के काफ़ी दे विचों दे काफ़ी राग विच काफ़ी गावी वेंदी है सिंदरा हो गया नाले हो गया एक दो होर राग हो गए जोग हो गया ए साडे इलाके दे जिहड़े ने खास राग काफ़ी खुद एक ठाट है जी बेशक बिल्कुल बिल्कुल जिहदे विच बहुत सारे राग हैं काफ़ी ठाट विच बहुत सारे राग हैं बिल्कुल कवाली करना
तकरीबन पूरा पाकिस्तान अलहमदुलिल्ला सूफिया कराम के दरबारा से औलिया कराम के मजारात से जिथे सिलसिले चिश्तिया दे बुजुर्गाने दीन ने वो लोग सानू सद्दे बुलेंदे ते फिर उत्थे जाके अपनी परफॉर्मेंस काफी भी गाई और उसी असल जे कि जेड़ा सिलसिला है ना बुजुर्गों दा सूफिया कराम दा वो तो हाजरी देवन बड़ी जरूरी है ना। अक्सर लोग सारे कोले पूछते हैं कि मजारा ते दरगावा ते कवाली क्यों होंदी है या अरफाना कलाम क्यों होंदे, क्योंकि ये अरफाना कलाम दे विच भी तो एक पैगाम होंदे ना ते वो बुजुर्गों दे दरबार ते उनकी हाजरी बड़ी अहमियत रखती है फनकार वास्ते भी ते एक शायर दे वास्ते ते उत्थे वेंदे हो। अच्छा ते किहड़े फनकार तो ज्यादा मुतासिर थी कि गायकी दे पासे आए होवे? गायकी कवाली दे विच तो मैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान नूं फॉलो करना जी, उन्हां नूं मैं उन्हां तों रहनुमाई हासिल करना सही। काफी दे विच मैं अपने वालिद साहब नूं अरशद फतेह अली खान नूं और ज्यादातर जो बड़े उस्ताद ने ज्यादा परवीन साहबा हुसैन बज खां डाडे उस्ताद बरकत अली खान बड़े तवक्कल खान आशिक अली खान साहब चूंकि ये मुल्तान का इलाका जेड़ा है इदे विच काफी राइज भी इन्हां उस्तादां ने की थी। उस्ताद आशिक अली खान ज़हरा परवीन तवक्कल हुसैन खान इन्हां दा एक अपना के एहसासा सी इन्हां दा बख्श ढाडी भी सी इलाके सारे नसीब दे से बड़ी सोहनी गल की थी कि काफी अदा उठा जेड़ा है ओ ही ने इलाकियां दे इन्हां इलाकियां दे और जितने दुनिया दे लोग काफी गासिन सराय की पंजाबी ओ इन्हां को ही फॉलो कर रहे है ना इन्हां दे पीछे पीछे। दूजी गल है ना कि काफी हर बंदा नहीं गा सकदा काफी क्योंकि ठहराव दा नाम है काफी बेशक बगैर सिखा पूछा काफी गाई नहीं जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी सोहनी तो और बड़ी सच्ची तो गाल की थी। हूँ सुरीले पांधी साहब को क्या सुने दे पे उन मैं एक गीत पेश करें दा पिया जी हूँ दे बोले बेरुखियां हबीबां दियां गल्ला नसीबां दियां नसीबां दियां वाह वाह काफी भी चलती रहसी लेकिन गीत भी तो जरूरी ना सारे बहुत सारे देखने वाले जेड़े गीत को पसंद करे ने तो सा गीत जरा गुनगुना के साको सुनाओ ना थोड़ा जी। बिल्कुल जी बेरुखियां हबीबां दियां गल्लां नसीबां दियां वे माया बेरुखियां हबीबां दियां गल्लां नसीबां दियां बेरुखियां हबीबां
ਬੜੇ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਗਾਵੇਂ ਔਰ ਬੋਲ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹਨ ਪੇਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਭੈਰਵੀ ਭੈਰਵੀ, ਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਭੈਰਵੀ ਤੇ ਏਮਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਰਾਗ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਮੁਕੰਮਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਿਆ ਗਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਕਾਫੀ ਹੋਵੇ, ਕਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਗਜ਼ਲ ਗੀਤ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇ? ਅੱਛਾ, ਕਾਫੀ ਉਹ ਭੈਰਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਤੇ ਕਲਾਮ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਉੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਦਾ, ਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਜੀ ਨਾ? ਜੀ ਅਤੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਫਾਨਾ ਕਲਾਮ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹਰ ਸੂਫੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੈਗਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੌਹੀਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਲਕਤ ਕੁਜੇ ਦੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਹਰਦਮ ਫਰੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਜੀ ਨੇ। ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੀਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਕਈ ਵੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਅਸਰ ਅਸਰ ਸੀ, ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸਾਕੋ ਸੁਰਲੇ ਪੰਜ 'ਚ ਕਿਆ ਸੁਣਦੇ ਪਿਓ? ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉੱਥਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਾਰਵੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਜੀ ਅਲੈਹ ਜੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਚੂੰਕਿ ਆਪ ਦੇ ਦਾਦਾ ਪੀਰ ਵੀ ਹਨ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਕਿਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਖਲੀਫਾ ਹਨ, ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਮਜਾਜ਼ ਹਜ਼ਰਤ ਕਿਬਲਾ ਜੀ, ਆਲਮ ਦੇ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਜਾ ਕਿਬਲਾ ਆਲਮ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਾਰਵੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਖੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਕਿਆ ਬੋਲਣ ਪੇ? ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਜਾ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਦਿਲੀਂਦਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮ ਭਰਮ ਦਾ ਗਲ ਤੇਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਦਿਲੀਂਦਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਹ ਖਾਜਾ। ਵਾਹ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਸਿੰਧੀ ਭੈਰਵੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਵਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਰਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਸੱਤ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਗ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁਰੀਲੀ ਕਾਫੀ ਸੁਣਵਾਏ ਨੇ। ਦੀਨ ਖਰਲੀ ਤੇ ਇਮਾਨ ਖਰਲੇ, ਹਜ਼ਰਤੀ ਖਾਜਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਫਖਰ ਫਕਰ ਦੇ ਕਾਨ ਖਰ ਚੱਲ ਡੇਖ ਤੋਂ ਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਖਰਲ ਨੂਰੀ ਤੂਰੀ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਮੇਰੀ ਆਸ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਜਾ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੇਡੀ ਅਜਮ ਵੀ ਤੇਡੀ
वाह वाह वाह, बड़ा सोहना तुसा एक रंग बनाए सिंधी भैरवी। और भैरवी जेड़े वेले भी गावी बने वो अपना पूरी फजा दे विच अपना एक रंग छोड़ दें दी है और उनका असर काफ़ी देर तक कायम रहा। और तुसा चिश्तियाँ बहावल नगर तो सारी प्रोग्राम में आए हो, एक आके सजास छोड़े वे सारा हाँ ठहरे वे सारा माण वधाए, तुरी बड़ी मेहरबानी। इन शाला अगले हफ्ते राहत तुरे सामने एक भी असवेला पाँदी खिन के आसी सोने अला दी अमान। हबीबा